नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। और अब बात अयोध्या राम मंदिर की, जहां राम मंदिर के शिलान्यास के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शीघ्र आमंत्रित करने की योजना बना रहा है। ट्रस्ट की बैठक में मुख्य रूप से इस विषय पर चर्चा होनी है। वहीं पीएम मोदी के अयोध्या आगमन को लेकर रामनगरी के प्रमुख संतों में उत्साह है। संतों ने कहा कि अपना संकल्प पूरा करने के बाद रामनगरी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए आतुर है। श्री राम जन्मभूमि पर रामलला के भव्य मंदिर निर्माण की तैयारी लगभग पूरी करने के बाद ट्रस्ट की बैठक होने जा रही है। 18 मई को यानी कल ट्रस्ट की होने वाली बैठक में राम मंदिर के आधारशिला के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित करना प्रमुख विषय होगा। इसके साथ ही ट्रस्ट के सदस्य मंदिर निर्माण की शुरुआत की तिथि पर भी चर्चा करेंगे। इसके लिए राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र दिल्ली से अयोध्या पहुंच चुके हैं। मुख्य बैठक से पहले सर्किट हाउस में उन्होंने ट्रस्ट के सदस्यों के साथ एक अनौपचारिक बैठक की, जिसमें मुख्य रूप से बैठक के लिए एजेंडा तय किया गया। बैठक के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि अब राम मंदिर के भूमि पूजन और आधारशिला के आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर अंतिम रूप से चर्चा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। प्रधानमंत्री जिसे पहले भी आग्रह किया गया था, उन्होंने वचन दिया था हम आएंगे, और उनकी भी जैसे पहले से प्रतिज्ञा थी बिना राम जन्मभूमि लिए हुए मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा, वो प्रतिज्ञा उनकी पूरी हुई। और ये लॉकडाउन हो गया, महामारी आई, जिसके कारण से कार्य पिछड़ता गया, फिर भी राम जन्मभूमि गर्भस्थल पर उसके पहले से ही भूमि पूजन, पूजा पाठ, यज्ञ हवन बराबर चल रहा है। भूमि पूजन की अब कोई विशेष आवश्यकता नहीं रह गई। इच्छा ये थी कि एक बार मोदी जी आ जाए, कार्य प्रारंभ हो जाए। अभी कुछ समय पहले पत्र लिखा गया, उनको आग्रह किया गया है, और हो सकता है जल्दी समय दे देंगे, आ जाएंगे, स्वागत है। हमारी सारी तैयारी पूरी है। तारीख जो है वो भी अपने आप में अद्वितीय है, और 5 और 3 मिलकर के 8 बन रहा है। अष्टमी तिथि को भगवान श्री लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, इसलिए दोनों अष्टमी तिथि में 8वें तिथि पड़ती है, जिसमें भगवान का जो अवतरण हुआ है वो महामारी को, कोरोना जैसे और तमाम ऐसे आपदा विपदा जो जन जन को आहत कर रही है, इसको समाप्त करने की है। इसी प्रकार से भगवान श्री राम जी का जो शिला पूजन होगा वो भी अपने आप में अद्वितीय होगा, और सारे जगत के महामारी को समाप्त करने वाला और महा आपदा विपदा को समाप्त करने वाला। हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के प्रयासों की सफलता, उनके स्वस्थ दीर्घायुष जीवन के लिए 14 जनवरी 2014 से ही एक विशाल अनुष्ठान करते आ रहे हैं। तो हम तो जब से सुने, पिछली बार सुना था कि आ रहे हैं, प्रोग्राम टल गया था, बड़ी मायूसी हुई है, और जब से सुना है कि अब प्रधानमंत्री जी के आने का समय हो गया है, वो आएंगे, मन में इतना उल्लास है, इतना हर्ष है कि कुछ पूछिए मत। हम तो उस दिन की, उस घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे यजमान अर्थात प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का श्री अवध धाम में आगमन हो। हमें तो उसकी इस तरह प्रतीक्षा है जैसे 14 साल का वनवास काट कर भगवान राम जब आए थे अयोध्या में, और अवध वासियों की प्रतीक्षा थी, उनके लिए दीपक जला रखे थे, हमें तो उसी भांति उनके आगमन की प्रतीक्षा है कि वो आए। बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री के ही कार्यकाल में कितना वर्षों से चला रहा है विवाद, और रामलला के पक्ष में, मंदिर के पक्ष में आदेश हुआ कोर्ट से। ऐसी स्थिति में अयोध्या के लोग बहुत दिनों से ये चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवेदन की कौनों द्वारा शिलान्यास हो और भव्य मंदिर बने, तो सबकी भावना है, भावना कारक करते हुए प्रधानमंत्री जी को आकर के शिलान्यास करना चाहिए। लेकिन
कुछ परिस्थिति ऐसी आ गई है जिसके कारण से प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार से दबाव नहीं दिया जा सकता कि ना ही प्रधानमंत्री यहाँ, बल्कि हम लोग मीडिया कॉन्फ्रेंस से यदि वो दिल्ली से ही कर देते हैं तब भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह जो महामारी है कोरोना, वो इस प्रकार से अयोध्या में बढ़ रहा है कि अयोध्या में किसी को कहा नहीं जा सकता कि आप हमारे प्रधानमंत्री जी हों चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हों। समय के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जाता है। इस समय यही है कि जिस प्रकार से हो मंदिर का निर्माण शुरू हो, लेकिन यह कोरोना को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी अपने स्तर से और अपने कार्यक्रमों से वह शिलान्यास कर दें जिससे कि मंदिर का निर्माण हो। भावना सबकी है लेकिन परिस्थिति जो है वो विपरीत है। ये न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।